हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि सुबह का नाश्ता चाय पानी सब हो चुका है। ये भी शॉप पे आ गए, इन्होंने मुझे कहा कि मैं भी शॉप पे आ जाऊँ, उनको कोई काम था तो ये कारीगर के पास चले गए हैं। तो मैंने कहा आज आपको गुड मॉर्निंग मैं दुकान से करती हूँ, तो आज की जो गुड मॉर्निंग है शॉप से हो रही है। मेरी सिस्टर जो हेमा है उसको तो आप जानते ही हो, जिसका चैनल है, तो उसके जो लड़का है काकू उसका जन्मदिन है। तो रात को हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, तो हम सब उस ग्रुप में मैसेज कर देते हैं सबको कि हैप्पी बर्थडे काकू, हैप्पी बर्थडे काकू। अगर किसी को नहीं भी याद रहता तो ग्रुप का जैसे ही 12 बजे मैसेज आता है फटाफट सारे अलर्ट हो जाते हैं, नहीं किसी का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे मैंने रात को कर दिया था, तो अब बच्चों को मैंने कहा कॉल करके मैं उसको फ़ोन करके बोल देती हूँ हैप्पी बर्थडे। मैसेज की बात अलग होती है और दोबारा फ़ोन किया हुआ अलग बात होती है। और कल जन्मदिन है जो मेरी बहन कंचन है उसकी लड़की बड़ी वाली आयुषी का, तो वो जन्मदिन मना रही है। कल गुरु जी का उनके घर में कीर्तन है, तो कल हम आपको कल का जो ब्लॉग बनेगा उसके घर का बनेगा, उसका बर्थडे भी है और गुरु जी का कीर्तन भी है। फिर रात का मतलब हमारा डिनर वगैरह वही होगा, खूब इन्जॉयमेंट होगा। तो कल का जो ब्लॉग बनेगा वहाँ का बनेगा। जब मैं शॉप पे आई थी तो इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी। अब मैं अपनी सीट पे बैठी हुई हूँ, ये भी नहीं आए और इतनी तेज़ बारिश आनी शुरू हो गई है। मतलब मौसम एकदम चेंज हो गया। रात को भी बारिश आई थी, पर रात को बारिश आई तो सुबह तो पता ही नहीं चला कि बारिश आई है नहीं आई, इतनी देर धूप निकली हुई थी। अब फिर मौसम चेंज हो गया और बारिश आनी शुरू हो गई। अब ये आएंगे कारीगर से तो भीग के ही आएंगे। मौसम मैं कहती हूँ भगवान करे फटाफट बारिशें शुरू हो जाए, मौसम सही हो जाए। मैं जब शॉप पे आप लोगों के साथ बैठ के ब्लॉगिंग कर रही थी तो बीच में मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो पहले ब्लॉगिंग कर लूँ फिर मम्मी का फ़ोन में बात कर लूँगी। मैं आपको बता रही थी कि ऐसे मेरी बहन के लड़के का जन्मदिन है, कल मेरी बहन की लड़की का जन्मदिन है, 18 तारीख को है, वो गुरु जी का कीर्तन करा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। इंसान बहुत कुछ सोचता है मगर ऐसा होता कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मेरी मम्मी ने बताया कि तेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसको लूज मोशन लग गए थे, वॉमिटिंग हो रही थी, तो इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा है। तो हमने एम्बुलेंस बुलाई है, उसकी इतनी तबीयत ख़राब है मतलब उससे उठा नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, को उसके शरीर में जान ही नहीं है। तो हम फटाफट भाई फ़ोन मारा सब बहनों को कि आप आ जाओ, तो छोटी वाली बहन पेरी जो उत्तम नगर वाली है वो जल्दी पहुंच गई, क्योंकि शॉप पे नहीं थे तो मैं थोड़ी आधा घंटा लेट हो गई, तो वो पहले पहुंच गई थी। तो फटाफट उसको एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल एडमिट किया। तो बस पता ही नहीं चलता कि किसी का क्या होता है क्या नहीं होता। घर के पास ही वो शादीपुर डिपो रहते हैं, वहाँ पर मतलब मेट्रो पे जाते हैं तो शादीपुर डिपो के स्टैंड पे उतरना पड़ता है, तो नारायणा में एक मेट्रो हॉस्पिटल है तो उसको वहाँ पर जाके एडमिट किया। जब मैं वहाँ पहुँची तो उसको वो एडमिट मतलब कि अमरजेंसी में था, तो मैंने फिर डॉक्टर से बात की भाई इसको क्या हुआ है, तो वो कह रहा है कि बिल्कुल शरीर में से पानी ख़त्म हो चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो अब ना पानी है और ना ही, और बीपी इतना लो हो चुका है कि इनके शरीर में कुछ भी नहीं है, बस ऐसे कैसे से बॉडी की बॉडी है, कुछ काम नहीं कर रही। फटाफट ग्लूकोज चढ़ाया, जो ट्रीटमेंट होना था वो ट्रीटमेंट किया और उन्होंने कहा कि अब हमें आईसीयू में इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो फटाफट इसको जाके हमने आईसीयू में एडमिट कराया। मैं वहाँ पर मतलब कि ढाई पौने तीन बजे के करीब हॉस्पिटल में पहुँच गई थी, तो वहाँ पर उसका इलाज शुरू हो ही चुका था। अब मतलब उसकी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हालत ठीक नहीं है, बस आप भगवान से प्रेयर करो कि ये जल्दी कवर कर जाए। मैं रात को कम से कम 10-10:30 बजे थे तो मैं घर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो घर चलती हूँ, कोको पूछी भी है और सबको वहाँ इतना नहीं रुकने देते। फिर जो हेमा का लड़का काकू है तो उनके जो हस्बैंड है वो कहने लग पड़े कि हम दोनों वहाँ रुक जाते हैं, भाई ज़्यादा बंदों को वहाँ रुकने नहीं देंगे, आप सुबह सुबह फिर आ जाना। तो मैं घर आ गई हूँ तो मैंने कोको पूछी का खाना वगैरह तो इन्होंने बना दिया था, इन्होंने कोको पूछी का खाना वगैरह इनको खिला दिया था। फिर मैं आई हूँ, अब आके कपड़े वगैरह थोड़े से धोने थे वो धोए, बाकी जो थोड़ा बहुत काम था वो किया और सुबह सुबह फिर हम सब बहनें वहाँ पहुँच जाएंगे। इंसान सोचता कुछ है करता होता कुछ है। हम क्या सोच रहे थे भाई, हम कंचन की लड़की का जन्मदिन है, हम सारे जाएंगे, मैंने एक नया सूट भी सिलवाया था कि मैं ये वाला सूट पहनूंगी, गुरु जी का कीर्तन होगा, ये होगा, हम सारे कहते दीदी हम सब डांस करेंगे। बस इंसान बहुत कुछ सोचता है मगर हो नहीं पाता। उम्र के हिसाब से भी जो
बुजुर्ग होते हैं वो लोग हॉस्पिटलों के धक्के नहीं खा सकते, तो हमने तो मम्मी को यही बोला था कि मम्मी आप हॉस्पिटल पे बिल्कुल मत आओ। तो मम्मी बार बार कॉल करके पूछती है दीपू ठीक है, दीपू ठीक है। मेरे भाई का नाम दीपू है, घर में उसे दीपू बोलते हैं, वैसे उसका नाम दिनेश है। तो दीपू ठीक है, दीपू ठीक है। हमने उनको बिल्कुल नहीं बताया कि दीपू आईसीयू में है, मैं कैसे चिंता लगा देंगे। फिर रात को हमने जाके उनको जब घर गए तो उनको जाके बताया कि वो आईसीयू में है, मम्मी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल। वो डॉक्टर कहते हैं कि आप बिल्कुल टाइम से लेके आए हो, अगर आप टाइम से नहीं लेके आते तो कुछ भी हो सकता था। बस फटाफट उसको लेके सारे के सारे भागे, फटाफट एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस से फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बहुत मुश्किल है। पहले हेमा बीमार हो गई, हेमा बीमार हुई हॉस्पिटल में रही, उसके बाद कंचन की लड़की छोटी वाली वो बीमार हुई, वो हॉस्पिटल में हुई। अब ये देख लो, ये मेरा भाई हॉस्पिटल में है, पता नहीं क्या हो गया है। और समझ नहीं आता कि सबके सब सीरियस हो जाते हैं और आईसीयू में चले जाते हैं, पता नहीं हो क्या रहा है। उसको पानी की कमी कैसे हो गई, लूज मोशन भी सबको लग जाते हैं मोस्टली, वॉमिट भी हो जाती है, पता नहीं इतनी जल्दी डॉक्टर कहते हैं कि पानी बिल्कुल ही बॉडी में से ख़त्म हो गया है, ये समझ नहीं आया। आज मैं गई थी तो हॉस्पिटल का कोई सीन लेने का दिल नहीं कर रहा था कि अपने घर का ही जब मेंबर ठीक ना हो तो क्या हॉस्पिटलों का सीन लूँ। अब सुबह सुबह कल जाके देखते हैं, फिर मैं जाती हूँ। तो फिर आज मैं कोई भी इतना ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, बस वही जो दुकान पे बनाया था। या आके मैं घर में आई हूँ रात को, ये रात को 12 बजे ब्लॉग मैं बना रही हूँ, पूरे 12 बज चुके हैं और ये रात को मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आके थोड़ा बहुत जो बनाना है, और आज का ब्लॉग बड़ा नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, दिल ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का। बस ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मेरा भाई भी ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है, और कल मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी हॉस्पिटल का, कि हम सब बहनें तो होंगी होंगी, बस मम्मी को हम नहीं लेके जाते कि वो नहीं बैठ सकते ज़्यादा, आईसीयू में ऊपर जाने नहीं देते। सेकंड फ्लोर पे आईसीयू है, हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठे रहते हैं। हमने अपने टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, जब उनको कोई काम होता है तो वो टेलीफोन मार देते हैं, तो एक ही मेंबर जाके ऊपर उनकी डॉक्टर के पास जाता है, उनकी बात सुन के आता है, बाकी ऊपर नहीं जाने देते। वार्ड में तो जाने देते हैं, जब आईसीयू में एक दो दिन रहेगा उसके बाद वार्ड में आ जाएगा, भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। मम्मी भी बहुत रो रही थी मेरी। छोटी वाली सिस्टर ने केक का ऑर्डर दे रखा था, फिर वो केक का ऑर्डर को कैंसिल किया, फटाफट भाई को फ़ोन मारा कि भैया हमें केक नहीं चाहिए कि मेरा भाई ठीक नहीं है। तो उसने कहा नहीं अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं तो आपको 18 को देता, तो आज तो 17 है। केक को मना किया, और जो गुरुजी का सत्संग करने के लिए लेडीज़ ने आना था उनको मना किया कि भाई आप मत आना, हम आगे करवाएंगे, जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो मैं गुरुजी का कीर्तन जरूर कराऊंगी, हम आगे कराएंगे, और नोनी के जन्मदिन का जो केक है वो भी हम आगे काटेंगे। आज सारा दिन मैं घर नहीं थी तो कोको भी देखो ऐसे उदास उदास सी, रात को ऐसे लेटी हुई है उदास सी, देख के मुझे इतनी खुश हो जाती है। इन बच्चों को क्या पता कि किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, और पूछी भी आराम से ऐसे देखो लेटी हुई है। मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, और चीना ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो डाल दिया था, मगर मैं वीडियो में बताना भूल गई थी कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है। जब मैं बताऊंगी नहीं तो आप जाके चेक क्या करोगे। फिर भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मगर इतने सब्सक्राइब नहीं हो पाया चैनल जितना कि आप लोग मुझे देखते हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब आप जाके दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, चेक करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह आप फैमिली चैनल को प्यार देते हैं, उस तरह ललिता की रसोई को भी प्यार दें इस वीडियो को, और आप मुझे बताएं कि आपको ये चैनल कैसा लगा, और मैंने जो रेसिपी दी है आपको कैसी लगी है। आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा था। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।